हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज यूपी टेट के बारे में एक नोटिस जारी किया गया है, जिससे सभी बच्चों को काफी समय से डाउट थे कि एग्जाम जुलाई में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कब एग्जाम होगा, कोई बदलाव तो नहीं हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम यूपी टेट जुलाई 2021 में जो होने वाला है उसके बारे में, तमाम चीजों के बारे में एक बार जानने की कोशिश करेंगे। और जो भी डाउट आपके मन में है वो भी मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों के भी जवाब दूं। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले, अगर आप यूपी टेट, सी टेट, जुलाई, जून, जुलाई की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट जुलाई के अंदर और सी टेट भी जून जुलाई के अंदर जो आना है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या केवीएस या डीएसएसबी या एनवीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरे इंडिया में हमारा स्टडी मटेरियल बाय कॉरियर भेजा जाता है। इस नंबर पर बात करके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके पास सारी चीजें अवेलेबल हैं और आप व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू हमारी हेल्प चाहते हैं, तो आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, एग्जाम कौन सा देना है और सब्जेक्ट कौन सा या फिर लेवल कौन सा है, प्राइमरी है या टीजीटी है, तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप कर देंगे 8447410108 पर। जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो व्हाट्सएप के थ्रू आती रहेगी। डेली हमारे यूट्यूब के ऊपर 5 क्लास डेली आती हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, चाहे करंट अफेयर की क्लास हो, चाहे आपका रीजनिंग की क्लास हो, चाहे हिंदी की क्लास हो, चाहे ईवीएस की क्लास हो, चाहे एसएसटी की क्लास हो, चाहे पॉलिटी की क्लास हो, चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट हो। तो 5 क्लास हर रोज आती हैं और समय समय पर वो क्लासेस बदलती भी रहती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये नोटिस है जिसमें साफ साफ लिखा है कि 15 मार्च 2021 को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के आयोजन हेतु संशोधित परीक्षा कार्यक्रम है ये, क्योंकि संशोधित है। कोरोना की वजह से सारी चीजें लेट चल रही थी तो ऑटोमेटिकली अब भी ये रहेगा। तो 22 फरवरी 2021 दिनांक के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 की परीक्षा तिथि दिनांक 25/7/2021, 25 जुलाई 2021, 25 जुलाई 2021 कर दी गई है। और इसी के अकॉर्डिंग सारी कार्रवाई इन्होंने बताई है। ये कहता है कि संबंध में मुझे कहने का निर्देश हुआ कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षक परीक्षा पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2020 जो अब 21 में होनी है वो इस तारीख को संपन्न कराई जाएगी। अब सारी चीजें इसमें देखिए, विज्ञापन का प्रकाशन जो नोटिफिकेशन पब्लिश होगा वो 11/5/2021 को होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे वो 18/5/2021 दोपहर बाद से शुरू हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की जो अंतिम डेट होगी वो आपकी 1 जून रजिस्ट्रेशन की आखिरी डेट रहेगी। जो फीस जमा कराने की जो अंतिम डेट है वो आपकी 2 जून रहेगी। आवेदन पूर्ण करने और पूर्ण आवेदन का प्रिंट लेने की जो अंतिम तारीख है वो 3 जून रहेगी। परीक्षा केंद्रों के निर्धारण हेतु जनपद के आवेदकों की संख्या की सूचना सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्रेषित करने की जो तिथि है वो आपकी 4 जून रहेगी। जनपद स्तर पर जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करने की जो डेट रहेगी वो 15 जून रहेगी। पूरी डिटेल में दिया है इन लोगों ने। जनपदीय समिति द्वारा परीक्षा केंद्र निर्धारित करके केंद्रों की सूची छात्र आवंटित सहित हार्ड और सॉफ्ट कॉपी दोनों 17 जून 2021 तक रहेगा। केंद्रों की सॉफ्ट कॉपी एनआईसी लखनऊ को भेजने की तिथि 22 जून 2021, एनआईसी लखनऊ द्वारा उपस्थित पत्रक प्राप्त करने की डेट 9 जुलाई 2021। जो एडमिट कार्ड आएंगे वेबसाइट पर लोड करने की जो डेट है और समाचार पत्रों में जो लोड होने की सूचना है वो 14 जुलाई 2021 को होगी। अभ्यर्थियों के स्कैन किए गए फोटो युक्त उपस्थिति पत्र केंद्र व्यवस्थापक को जो भेजे जाएंगे वो 20 जुलाई 2021 को। डबल लॉग में रखने हेतु प्रश्न पत्र और एमआर सीट जनपद मुख्यालय पर भेजने की डेट 23 जुलाई 2021, और उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी यूपी टेट 2020 जो है वो होगा 21 में और 25 जुलाई 2021 को ये एग्जाम होगा। प्राइमरी लेवल का मॉर्निंग शिफ्ट में 10 से 12:30 और टीजीटी लेवल का जो है वो आपका 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक। परीक्षा समाप्ति के उपरांत उत्तर पुस्तिकाएं जो हैं वो एमआरसीट के सील्ड बंडल सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी प्राधिकारी के कार्यालय में प्राप्त कराने की जो अंतिम डेट रहेगी वो 27 जुलाई 2021 रहेगी। इसके अलावा लिखित परीक्षा के उपरांत उत्तर माला को वेबसाइट पर जारी यानी आंसर की जो अपलोड की जाएगी
वो 29 जुलाई को दोपहर बाद वेबसाइट पर जारी जो आंसर की है उस पे ऑब्जेक्शन की जो डेट रहेगी वो 2 अगस्त लास्ट डेट रहेगी। तो प्राप्त आपत्ति जो ऑब्जेक्शन मिलेंगे उनके ऊपर विशेषज्ञ समिति गठित करके उसका निराकरण करने की जो डेट है वो आपकी 16 अगस्त रहेगी। आपत्ति पर विषय विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार उत्तरमाला को अद्यतन करके उसे वेबसाइट पर डालने की डेट 18 अगस्त रहेगी और उसके बाद विषय विशेषज्ञ रिपोर्ट को सम्मिलित करते हुए संशोधित उत्तरमाला के अनुसार मूल्यांकन करा के परीक्षा फल जो रिजल्ट आएगा वो 20 अगस्त 2021 को आएगा और रिजल्ट घोषित होने के बाद प्रमाण पत्र जो निर्गत किए जाएंगे वो 1 माह के अंदर रिजल्ट आने के बाद। तो ये सारी जानकारियां इसके अंदर थी। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो सीटेट का पैटर्न है सेम रहेगा, 150 नंबर का पेपर, 150 क्वेश्चन, 150 आपको मिनट सॉल्यूशन के लिए दिए जाएंगे। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2 और सीडीपी वाला जो पोर्शन है वो 30-30 नंबर का आपका सबके लिए कॉमन होने वाला है। ये भी आप ध्यान रखिएगा क्योंकि लैंग्वेज 1 30 नंबर का, लैंग्वेज 2 30 नंबर का, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 नंबर का और पीआरटी की बात अगर करेंगे तो ईवीएस का सेक्शन 30 नंबर का और मैथ का सेक्शन 30 नंबर का, ये 150 नंबर का होगा। यहाँ भी आधी पेडागोजी, यहाँ भी आधी पेडागोजी, यहाँ भी आधी पेडागोजी और यहाँ भी आधी पेडागोजी। हम जो नोट्स देंगे लैंग्वेज 1 की बुकलेट होगी, लैंग्वेज 1 की पेडागोजी होगी, लैंग्वेज 2 की बुकलेट होगी, लैंग्वेज 2 की पेडागोजी देंगे। सीडीपी दोनों ऑप्शन में आपको मिलेंगे, क्वेश्चन भी मिलेंगे और थ्योरेटिकली भी। ईवीएस की बुकलेट और ईवीएस की पेडागोजी, मैथ की बुकलेट और मैथ की पेडागोजी देंगे। उसके बाद अगर आप टीजीटी की बात करेंगे तो लैंग्वेज 1 30 नंबर का यहाँ भी, लैंग्वेज 2 30 नंबर का यहाँ भी, सीडीपी 30 नंबर का यहाँ भी। अगर सोशल साइंस वाले बच्चे हैं तो सोशल साइंस 60 नंबर का होगा और अगर आप मैथ साइंस वाले हैं तो मैथ आपका 30 नंबर का और साइंस आपका यहाँ भी 30 नंबर का। इसमें भी लैंग्वेज 1 50% और 50% लैंग्वेज 1 की पेडागोजी, लैंग्वेज 2 की पेडागोजी 50-50, सीडीपी 30 नंबर का, एसएसटी है तो 40 नंबर के आसपास सब्जेक्ट और 20 नंबर के आसपास पेडागोजी, मैथ साइंस है तो 15 नंबर का मैथ, 15 की मैथ की पेडागोजी, 15 का साइंस, 15 की साइंस की पेडागोजी। ये पूरा सेक्शन है, आपको इस तरीके से देखना पड़ेगा। और हम जो ये बुकलेट आपको देंगे ना तो इसके साथ साथ टेस्ट पेपर भी देंगे, टेस्ट पेपर्स भी आपको देंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो पाए। और आपने सीटेट की भी तैयारी अगर करनी है और यूपी टेट की भी तैयारी करनी है तो एक ही तैयारी के अंदर दोनों चीजें आप निकाल ले जाएंगे, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। और अगर आप तैयारी करने में बिल्कुल सीरियस हैं तो आने वाला समय आपके लिए बड़ा संघर्ष वाला होने वाला है क्योंकि बिना तैयारी के तो कुछ होना नहीं है। तैयारी करेंगे, संघर्ष करेंगे तो एग्जाम आपका बिल्कुल अच्छा होगा और आप लोग बिल्कुल निकाल के ले जाएंगे। तो आप लोग चाहे आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो उठा लीजिए अपने फोन, कॉपी, पेन, जो कुछ भी है और आप लोग इस नंबर पर एक तो अपने डिटेल भेज दीजिए, आपका नाम, आपके शहर का नाम, एग्जाम आपने यूपी टेट सीटेट जो भी देना है और सब्जेक्ट आपका जो भी है पीआरटी है टीजीटी है वो भी लिखकर भेज दीजिए और इस नंबर पर व्हाट्सअप करना है, नोट्स ऑर्डर करना है तो आप व्हाट्सएप पर बात करके इस नंबर पर या फिर कॉल करके आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। जिस दिन आप ऑर्डर करेंगे उसी दिन कोरियर करके आपको स्लिप दे देंगे, आप अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं, 2 से 3 दिन में आपको मिल जाता है। तमाम जहां भी आपको दिक्कत आए, किसी भी टॉपिक में दिक्कत आए वो टॉपिक हमें बताइए, उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। किसी के टेस्ट पेपर में दिक्कत है तो आपका टेस्ट पेपर डिस्कस कर देंगे, पूरे का पूरा सिलेबस आपका चैनल पे भी डिस्कस करेंगे बाद में, तो सारी चीजें आपको अवेलेबल करवाएंगे। बट जरूरत है तो आपके तैयार होने की है और आपके हमें ये बताने की है कि सर हम तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे साथ जुड़िए और हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों का हर हालत में एग्जाम जो है वो क्रैक करवाया जाए। धन्यवाद, शुभकामनाएं।